इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम का आधार संकलन है। विश्वसनीयता के लिए संदर्भ ग्रंथ का संपर्क करें। नमस्कार, आइए, स्वागत है आपका लोकप्रिय कार्यक्रम इतिहास के पन्नों में। आए, देखें, सुने, सोचे, समझे और मनन करें क्या कुछ हुआ आज के दिन इतिहास के पन्नों में। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। दिनांक 10 जनवरी सन 1616 में ब्रिटिश राजदूत सर थॉमसन अजमेर के दरबार में अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया। सन 1693 में कलकत्ता के स्थापक जाबल चार्नक इनका निधन हुआ। सन 1818 में अंग्रेजों और मराठों के बीच में तीसरा और अंतिम युद्ध हुआ। सन 1862 में कोल्ट रिवरवर के निर्माता सैमुअल कोर्ट का निधन हुआ। सन 1883 में इंग्लैंड में प्रथम बार मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी द्वारा निर्मित 6 किलोमीटर की भूगर्भ रेलवे चलाई गई, जिसका नाम मेट्रो रेल रखा गया। अमेरिका ने इस प्रकार की रेलवे को सबवे नाम दिया। सन 1896 में पुरातन वस्तु के संग्राहक राजा केड़कर इनका जन्म हुआ। सन 1919 में ब्रिटिश सेना ने बगदाद रेलवे का प्रशासन अपने हाथ में लिया। सन 1919 में लीग ऑफ नेशन ये अस्तित्व में आया। सन 1940 में गायक येशुदास इनका जन्म हुआ। सन 1942 में जापानियों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में डच ईस्ट इंडिया पर हमला किया गया। सन 1991 में मद्रास में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन हुआ। सन 1992 में बेंगलोर में 23वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित हुआ। सन 2000 में भारत ने अमेरिका से आयात की जाने वाली 1300 वस्तुओं पर से प्रतिबंध हटाया। सन 1885 में अमरावती की नगर वाचनालय ने सरकार से 20,000 रुपए अनुदान की मांग की। सन 1930 में लोकनायक बापूजी अणे व वीर वामन राव जोशी इनकी जेल से मुक्तता हुई और अमरावती नगरी में इनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। सन 1974 में अभिनेता ऋत्विक रोशन इनका जन्म हुआ। और आप तो जानते ही है, आज विश्व हास्य दिन है।